गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्लास सेवन। देखिए आज हम एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो हैं रिलेटेड किस पे, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब हमें इन दोनों शब्द का मतलब समझना है। चांस का मतलब क्या होता है? देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, है ना, मैनी इवेंट्स हैपन। ठीक है, मैनी इवेंट्स हैपन। अभी इवेंट्स क्या होते हैं इन आवर डेली लाइफ? ओके, तो ये इवेंट क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने टॉसिंग अ कॉइन, आपने कॉइन को टॉस किया। ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो दो आपके इवेंट हो सकते हैं, या तो आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा। हेड को अगर मैं एच से और टेल को अगर मैं टी से बता दूं, ठीक है, या हम कहें कि रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस। अगर हम डाइस को रोल करें, डाइस मतलब जो होता है ना लूडो खेलते समय, तो उसमें आप देखिए या तो वन होगा मिलेगा आपको रोल करने पर डाइस को, या आपको टू मिलेगा, या आपको थ्री मिलेगा, या आपको फोर मिलेगा, है ना, या आपको फाइव मिलेगा, या आपको सिक्स मिलेगा, है ना। तो या तो आपको एक मिले, वन मिलेगा, या आपको टू मिलेगा, या थ्री मिलेगा, या फोर मिलेगा, या फाइव या सिक्स मिलेगा। तो ये सब क्या है, इवेंट्स हैं। जैसे सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट फ्रॉम टुमारो, है ना, तो एवरी डे द सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट। तो कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो सर्टेन होते हैं, सम इवेंट्स आर सर्टेन टू हैपन, सम इवेंट्स आर सर्टेन टू हैपन। ओके, जैसे कि सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, है ना, जैसे सनराइज विल राइज फ्रॉम ईस्ट। ओके, तो ये क्या है, ये आपका सर्टेन इवेंट है। कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, सम इवेंट्स आर इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, कौन सा इवेंट इम्पॉसिबल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल सेवन कमिंग इन अ डाइस, सेवन कमिंग इन अ रोल ऑफ अ डाइस। एक पासे को फेंकने पर सात आएगा, तो ऐसा कभी हो सकता है कि एक पासे को फेंकने पर सात आए? तो कभी नहीं आता है। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। सम इवेंट्स आर, सम इवेंट्स कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कुछ इवेंट्स हो सकते हैं लेकिन श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इट विल रेन टुडे, या आप कहेंगे इंडिया विल विन द नेक्स्ट मैच। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इवेंट्स क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। या तो आपके इवेंट सर्टेन होंगे जो हमेशा होने ही होने हैं, सर्टेन टू हैपन। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि सम कुछ इवेंट्स जो है आपके इम्पॉसिबल होंगे। ठीक है, जैसे सनसेट जो है ईस्ट से होने लग जाए तो इम्पॉसिबल है ना, बिना गाड़ी में चाबी लगाए गाड़ी स्टार्ट करना, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट्स है ना। और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो हो भी सकते हैं लेकिन श्योर नहीं है। तो हमारे पास इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। अब एक वर्ड आता है इसमें, चांस। चांस क्या होता है, चांस क्या होता है, जो हमारे पास तीन ऑप्शन आए इवेंट के कि क्या सर्टेन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट श्योर, और बट नॉट सर्टेन। ठीक है, तो हम चांस की बात हमने अपनी लाइफ में करते हैं। जैसे हमने कहा कि बादल लगे हैं आज, तो चांस है कि बारिश होगी। हम कहते हैं कि 50% चांस है, कि 50% चांस है कि बारिश हो सकती है। जैसे अगर मैं एक कॉइन को उछालूं, हेड आने की कितने चांस हैं और टेल आने की कितने चांस हैं? तो आप देखेंगे एक सिक्के की उछाल में दो ही इवेंट हो सकते हैं, एक सिक्के की उछाल में दो ही इवेंट हो सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो इसका मतलब क्या है, 50-50% चांस है, 50% चांस हेड विल कम सपोज, इसी तरह से 50% चांस होगा टेल भी आएगा। ओके, अब जैसे डाइस है, ठीक है, मैं कहूँ कि मैं एक डाइस को रोल करके डालूँ तो फोर आने के क्या चांसेस हैं, फोर आने के चांसेस क्या हैं? तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं।
तो सिक्स इवेंट्स हैं इस एक्टिविटी में, सिक्स इवेंट्स हैं, सिक्स में से एक एक्टिविटी आना है, तो 1/6 × 100% तो इतना चांस होगा। ठीक है, फोर आने के चांस क्या होंगे, क्योंकि एक डाइस में फोर एक ही होता है और टोटल कितने नंबर्स हैं, छह नंबर्स हैं, तो 1/6 का 100% निकाल लेंगे आप। ओके, तो इस तरह से आपको तो 100/6% चांस है आपके पास। तो आप इसको कैंसिल करके देखिए, 6×1 = 6 बच गया कितना, 440 है ना, 6×6 = 36 हो गया, बचा 4, तो 16.66%। तो 4 आने के चांस क्या है, चांस ऑफ 4 इन अ डाइस तो क्या होंगे, 16.66%। तो इसी तरह से प्रत्येक नंबर आने के चांसेस 16.66% है। जैसे हेड या टेल दो ही इवेंट है, तो 50% चांस इसके हैं, 50% चांस इसके हैं। तो ये सारे इवेंट्स क्या हैं, ये इवेंट्स जो हैं, ये जो है सर्टेन इवेंट है कि 50% तो चांस है ही, सर्टेन इवेंट। यहाँ पे भी देखिए है ना, तो चांस का मतलब ये होता है कि कोई इवेंट होने के 3 ऑप्शन हैं हमारे पास। चांस हम कैसे निकालते हैं, परसेंट में निकालते हैं, कि भाई परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी अगर हम चांस में बात करते हैं तो हम परसेंट में बात करते हैं, चांस में क्या बात करते हैं, हम परसेंट में। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि देखिए फॉर्मूला होता है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सपोज इवेंट को हमने ई दे दिया, ऑफ एन इवेंट ई टू हैपन, एक इवेंट ई अगर होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम पी ई से बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई टू हैपन क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स या इवेंट्स एक ही बात है, आप इसको आउटकम्स कह लीजिए या इवेंट्स कह लीजिए, आउटकम्स या इवेंट्स, कोई भी एक घटना पे इवेंट्स से बनती है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, इस तरह से इसका फॉर्मूला था। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इन रोलिंग अ डाइस वंस, एक बार एक डाइस को उछालने पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 आने की। तो मान लीजिए इसको PE से कहूँ, तो अब आप देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो कितने 4 होते हैं एक डाइस में, केवल एक ही 4 होता है, 4 आने के चांस, 4 आने के चांस एक ही है ना, अपॉन टोटल कितने नंबर्स आ सकते हैं 6, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, इम्पॉसिबल इवेंट की होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है, और कैन हैपन नॉट सर्टेन, कैन हैपन नॉट सर्टेन, ऐसी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई होगी। ठीक है, सर्टेन इवेंट प्रोबेबिलिटी 1 है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अगर हम इसको चांस में कहते तो वो 100% हो जाता। इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी 0 होती है, अगर हम चांस शब्द इस्तेमाल करते तो 0% हो जाता। ओके, और कोई इवेंट जो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो 0% और 100% के बीच में चांस होगा। ओके, अगर हम प्रोबेबिलिटी में कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही हमेशा लाई करती है। तो ये नोट्स आप अपने नोटबुक में बनाएं। ठीक है, तो चांस और प्रोबेबिलिटी में अंतर क्या है बच्चों, केवल इतना ही अंतर है, चांस परसेंट वाइज होता है, प्रोबेबिलिटी रेशियो वाइज होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, अच्छा अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टेल वेदर फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। तो ये जो इवेंट्स लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में, कुछ इवेंट्स लिखे हैं,
वो सर्टेन होंगे या इम्पॉसिबल होंगे, ओके। या तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ओके। पहला दिया है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप आज जो है कल से बड़े हैं, तो ये कैसा इवेंट है भाई, ये तो सर्टेन इवेंट है ना। किस तरह का इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, जाहिर सी बात है आज आप कल से बड़े ही होंगे उम्र में, है ना। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, कि हेड आए, एक कॉइन को उछाला, एक कॉइन को उछाला और हेड आया, तो ये हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि दो इवेंट्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आ भी सकता है नहीं भी, तो आप क्या लिखेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, ये हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन श्योर नहीं है, हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है। डाई, डाई का मतलब डाइस होता है, ओके। डाई व्हेन टॉस्ड शेल लैंड अप विद एट ऑन टॉप, उसमें एट आएगा, एक सिक्के की उछाल, एक डाइस की उछाल में एट आएगा, तो डाइस में आप देखिए वन से सिक्स तक आ सकता है, एट कैसे आएगा, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है, एक डाइस को उछालने पर आठ आए, ये इम्पॉसिबल इवेंट है बच्चों, ठीक है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी ग्रीन, अब आप खुद बताइए अगर नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आए तो वो ग्रीन होगी, तो आप क्या कहेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी, बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन श्योर नहीं बता सकते हम, ओके। तीसरा है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, पांचवा सेंटेंस लिखा है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, तो ये हो सकता है लेकिन श्योर नहीं पता है हमें, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, तो ये तो इवेंट्स की बात होगी कि ये इवेंट किस तरह से हो रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू क्या है बच्चों, देर आर सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स, कितने मार्बल्स हैं, सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 6 ऑन देम, ऑन ईच ऑफ देम, तो छह मार्बल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, उन पे जो है एक एक नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6। अब ये पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मतलब निकालना, ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर टू, आपने एक थैले में सारे मार्बल्स रखे और बिना देखे उसमें से एक मार्बल आपने निकाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक मार्बल निकालने पर वो दो ही लिखा हुआ आया, तो आप लिखेंगे ऐसे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल मतलब कि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स विद हैविंग नंबर टू ऑन इट, तो ऐसा इवेंट केवल एक है अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स सिक्स है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि उस मार्बल में दो लिखा हुआ है जो हमने बाहर निकाला है, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग मार्बल हैविंग फाइव ऑन इट, कि पांच आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो भी 1/6 ही होगी, क्योंकि पांच, एक दो तीन चार पांच में से ऐसा इवेंट केवल एक ही है, फेवरेबल इवेंट एक ही है फाइव, तो 1/टोटल इवेंट्स कितने हमारे पास, सिक्स इवेंट्स हैं,
तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, थर्ड पार्ट देखिए, अ कॉइन इज फ्लिप्ड, फ्लिप्ड मीन्स ऐसे फ्लिप करना है ना, कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, विच टीम स्टार्ट्स द गेम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी PROBABILITY, ओके, प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। ओके, तो अब आप देखिए इवेंट्स इन अ कॉइन, क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, हेड एंड टेल, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, अगर आपकी टीम ने हेड मांगा, इफ माय टीम आस्क फॉर हेड टू कम, इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी, इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ हेड्स, एक कॉइन में वन है और दो इवेंट है, आउट ऑफ टू इवेंट्स वन हेड है ना, हेड या टेल दो ही तो इवेंट है हमारे पास, केवल दो ही इवेंट हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1/2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारा, सो आवर टीम विल, आवर टीम विल स्टार्ट हैज प्रोबेबिलिटी 1/2, हैज प्रोबेबिलिटी 1/2, ये तो होगा इसका मतलब। ठीक है, तो अगर हम चांस में कहते तो हम क्या कहते, 1/2 × 100%, यानी कि 50% चांस होता कि हमारी टीम पहले खेलेगी, क्योंकि जो टीम टॉस जीतेगी वही तो पहले खेलेगी। तो अगर मेरी टीम हेड मांगती है और हेड ही आता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, तो इसलिए मेरी टीम स्टार्ट करेगी गेम को, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ और एक्सरसाइज भी।